दोस्तों क्रिकेट को लेकर हमारे देश में हमेशा कोई ना कोई चर्चा होती रहती है और जब से साल 2020 का आईपीएल खत्म हुआ है तभी से क्रिकेट के एक नए सितारे का नाम पूरे भारत में गूंज रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय टीम के नए तेज गेंदबाज टी नटराजन के बारे में, जिन्हें जसप्रीत बुमराह के बाद से भारत का न्यू यॉर्कर किंग कहा जा रहा है और अभी हाल ही में टीम इंडिया के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी नटराजन को खेलने का मौका दिया गया, जहां पर नटराजन ने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के सामने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए सबका दिल जीत लिया। वैसे आज भले ही नटराजन टीम इंडिया का हिस्सा बन चुके हैं लेकिन उनके इस मुकाम तक पहुंचने का यह सफर बेहद कठिन और किसी चमत्कार के सच होने जैसा है। और दोस्तों इसीलिए आज की हमारे इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको टी नटराजन की जिंदगी के इस सफर की इंस्पिरेशनल कहानी को बताएंगे। तो चलिए दोस्तों अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 27 मई 1991 से, जब थंगरासु नटराजन का जन्म तमिलनाडु के सलेम जिले के पास एक छोटे से गांव में हुआ था और वह एक बेहद ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे क्योंकि उनके पिता एक पावर लूम में छोटी सी नौकरी किया करते थे। हालांकि इस नौकरी से भी उनके घर का खर्च नहीं निकल पा रहा था और इसीलिए उनकी माँ खर्च चलाने के लिए सड़क के किनारे अपना छोटा सा चिकन स्टॉल चलाती थी। हालांकि घर में नटराजन समेत कुल 5 भाई बहन होने की वजह से कभी कभी उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो जाया करती थी कि उन्हें बिना कुछ खाए पिए भूखे पेट ही सोना पड़ता था। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि इतनी गरीबी में अपना जीवन बिताने वाले नटराजन के लिए आज इस मुकाम तक पहुंचना कितना ज्यादा मुश्किल रहा होगा। लेकिन दोस्तों नटराजन ने इतने सख्त हालातों के बावजूद कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी और खुद पर भरोसा करते हुए हमेशा ही मेहनत करते रहे। वैसे और भारतीय बच्चों की तरह उन्हें भी क्रिकेट का शौक बचपन से ही था और उन्होंने 5 साल की उम्र से ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। हालांकि समय बीतने के साथ ही वह इस खेल में दूसरों से बेहतर होते गए लेकिन फिर भी रिसोर्सेज की कमी की वजह से उन्हें बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी क्योंकि उनके पास उस टाइम इतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे कि वे अपना खुद का जूता खरीद सकें। और उनके हालातों का अंदाजा आप इसी बात से ही लगा सकते हैं कि क्रिकेट के लेदर की बॉल को ही उन्होंने पहली बार 20 साल की उम्र होने के बाद देखी थी क्योंकि इससे पहले तक वह सिर्फ टेनिस की बॉल से ही प्रैक्टिस किया करते थे। वैसे शुरुआत से ही नटराजन में काबिलियत और हुनर की कोई कमी नहीं थी और अपने गांव व उसके आसपास के इलाकों में उनका काफी ज्यादा नाम हुआ करता था। हालांकि खराब आर्थिक हालत की वजह से वह क्रिकेट करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और यही कहावत कहीं ना कहीं तब सच हो गई जब ए जयप्रकाश नाम के एक व्यक्ति नटराजन का साथ देने के लिए आगे आए और फिर उन्होंने अपने खर्चे पर नटराजन को खेलने के लिए चेन्नई भेजा। दरअसल इन्हीं को ही नटराजन अपना बड़ा भाई, अपना गुरु और अपना गॉडफादर सब कुछ मानते हैं। और इतना ही नहीं, नटराजन की गैर मौजूदगी में उनके परिवार का ख्याल भी जयप्रकाश ने ही रखा था। और दोस्तों नटराजन भी यह कह चुके हैं कि जयप्रकाश के मदद के बिना वह अपने गांव या फिर किसी कारखाने में आज मजदूरी का काम कर रहे होते। खैर चेन्नई जाने के बाद से साल 2011 में उन्हें तमिलनाडु के एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिला और यहीं से पहली बार वह उस टूर्नामेंट के आयोजकों और क्रिकेट से जुड़े कुछ अन्य लोगों की नजरों में आए। दरअसल नटराजन में यॉर्कर बॉल डालने की गजब की काबिलियत थी जिसके चलते आज भी वह ओवर की हर बॉल को ही सटीक यॉर्कर डाल सकते हैं। वैसे तमिलनाडु के इस घरेलू टूर्नामेंट में खेलने के बाद से नटराजन को एक के बाद एक अलग अलग टूर्नामेंट्स में खेलने का मौका मिलने लगा और उन्होंने पहले तो तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के लिए 4th डिवीजन क्रिकेट खेली, जहां उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद उन्हें विजय क्रिकेट क्लब में शामिल कर लिया गया और फिर इस क्लब के लिए नटराजन लगभग एक साल तक 1st डिवीजन क्रिकेट खेलते रहे। और फिर एक दिन एक मैच के दौरान जॉली रॉबर्ट्स क्रिकेट क्लब के कोच की नज़र नटराजन पर पड़ी और वह उनकी बॉलिंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने नटराजन को उनके क्लब की तरफ से खेलने का ऑफर दे दिया। और इस क्लब से खेलना नटराजन के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि यह एक बहुत बड़ा और बहुत फेमस क्रिकेट क्लब है जिसका हिस्सा रविचंद्रन अश्विन और मुरली विजय जैसे बड़े बड़े क्रिकेटर्स भी रह चुके हैं। और फिर इस क्लब में शामिल होने का उन्हें यह फायदा मिला कि उनकी जान पहचान क्रिकेट से जुड़े हुए कुछ बड़े बड़े लोगों से होने लगी और उनका खेल भी अब ऐसे लोगों की नज़रों में आने लगा था जो कि आगे बढ़ने में उनकी मदद कर सकते थे। लगभग 1.5 साल तक नटराजन इसी क्लब के लिए क्रिकेट खेलते रहे और फिर आखिरकार साल 2014-15 में होने वाली रणजी ट्रॉफी के लिए उनका सिलेक्शन तमिलनाडु टीम में हो गया और यह उनकी जिंदगी की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि उनकी यह खुशी ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाई,
क्योंकि रणजी में सिलेक्शन होते ही उनके बॉलिंग एक्शन पर सवाल उठने लगे और उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब करियर के शुरुआती दौर में इस तरह से बाहर होना किसी भी खिलाड़ी का मनोबल तोड़ सकता है, लेकिन नटराजन हार मानने वालों में से नहीं थे और वह अपनी पूरी मेहनत से अपने एक्शन को सुधारने में जुट गए। लेकिन इस सुधार के लिए उन्हें किसी एक्सपर्ट की भी जरूरत थी जो कि उन्हें सही रास्ता दिखा सके, और ऐसे में उनकी मदद के लिए तमिलनाडु के पूर्व क्रिकेटर्स सुनील सुब्रमण्यम, दिवाकर वासु और एम वेंकट रमन सामने आए, जिसके बाद से अपनी मेहनत और इन एक्सपर्ट्स की मदद से नटराजन ने बहुत ही कम समय में अपने एक्शन को सुधार कर क्रिकेट में कमबैक कर लिया। और इस कमबैक के बाद तो उनकी परफॉर्मेंस और भी ज्यादा बेहतर हो गई थी, और फिर साल 2016 में तमिलनाडु प्रीमियर लीग का शुरू होना नटराजन के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि इस टूर्नामेंट की वजह से ही किंग्स इलेवन पंजाब के सेलेक्टर्स की नज़र उन पर पड़ी थी, जिसके बाद साल 2017 के आईपीएल के लिए किंग्स इलेवन पंजाब के द्वारा उन्हें 3 करोड़ की बड़ी रकम में खरीद लिया गया। अब यूं तो आईपीएल के लिए सेलेक्ट होना नटराजन के लिए एक बहुत बड़ी सफलता थी, लेकिन अपने पहले सीजन में उनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा, क्योंकि पहले तो चोट के चलते वह इस सीजन के सिर्फ 6 मैचेस में ही खेल पाए और इन 6 मैचों में भी वह सिर्फ 2 विकेट से चटका पाए थे। और फिर उनके इस खराब परफॉर्मेंस की वजह से साल 2018 में किंग्स इलेवन पंजाब टीम में उन्हें रिलीज कर दिया, जिसके बाद से सनराइजर्स हैदराबाद टीम ने सिर्फ 40 लाख की रकम देकर उन्हें अपनी टीम में ले लिया था। यानी कि पहला सीजन खराब होने की वजह से उनकी कीमत 3 करोड़ से सीधे 40 लाख पर आ गई थी। हालांकि इसके बाद साल 2018 और 2019 के आईपीएल में वह प्लेइंग 11 में भी जगह नहीं बना पाए, लेकिन साल 2020 के आईपीएल में जब उन्हें मौका मिला तब उन्होंने कमाल करके ही दिखा दिया। इस सीजन में दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज नटराजन की गेंदबाजी के सामने बेबस होते हुए नजर आए, और उनकी यॉर्कर इतनी सटीक थी कि एमएस धोनी जैसे बड़े बल्लेबाजों के पास भी नटराजन के बॉलिंग का कोई जवाब नहीं था। कुल मिलाकर इस पूरे सीजन में नटराजन ने किफायती गेंदबाजी करने के साथ ही 16 विकेट भी चटकाए, जिसमें कि एवी डिविलियर्स और विराट कोहली जैसे बड़े बड़े बल्लेबाजों का नाम भी शामिल था। और जिस तरह से उन्होंने एवी डिविलियर्स को क्लीन बोल्ड कर दिया था, लोगों को समझ आ गया था कि नटराजन कोई मामूली गेंदबाज नहीं है। और फिर आईपीएल में उनकी इस जबरदस्त परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें टीम इंडिया के ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए सेलेक्ट कर लिया गया, और इस तरह से नटराजन का भारत के लिए खेलने का वह सपना साकार हो गया जिसको बहुत से लोग नामुमकिन मानते हैं। और इस ऑस्ट्रेलिया दौरे पर नटराजन ने 1 वनडे और 3 T20 मैचेस खेले, और अपने इन 4 मैचों में ही 8 विकेट्स चटकाकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि आने वाले समय में वह भारतीय टीम के बॉलिंग अटैक का प्रमुख हिस्सा होंगे। बहरहाल अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि नटराजन ने इस बात को साबित करके दिखाया है कि बुलंद हौसलों और मजबूत इरादों से इंसान किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है। वैसे आपको नटराजन की गेंदबाजी कैसी लगती है हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा, और अगर उनकी यह लाइव स्टोरी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करके दूसरों को भी बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।